माँ भगवती का दरबार सज के तैयार हो चुका है, पट खुल चुका है, श्रद्धालुओं लोगों के लिए दर्शन की पूर्ण व्यवस्था की गई है। आज से विधिवत मेला चालू हो गया है और झूला तमाम सब लोग रेडी हो चुका है, आज शाम से सारे झूला चालू हो जाएंगे। काफ़ी चर्चाएं चल रही है कि बिहार में पहली बार ऐसी हो रही है, पहली बार की क्या मतलब? नहीं, पहली बार तो पहले सोनपुर लगता ही था, अन्य मेला भी लगते थे, लेकिन धीरे धीरे जो हमारा युवा पीढ़ी आया, या अब किसान जानवर नहीं पालना चाहते हैं, लेकिन अब फिर पुनः नए पीढ़ी के लोग भी पशु से प्रेम करना चाहते हैं। थिएटर चालू हो जाएंगे, शाम से नाच भी चालू हो जाएगा, यानी आज विधिवत माँ का दरबार खुलने के बाद सभी तरह के कार्यक्रम यहाँ शुरू हो रहे हैं। और ये ग्राउंड में जहाँ आप खड़े हैं, ये ग्राउंड सुरक्षित है जानवरों के लिए। घोड़ा के लिए, गाय के लिए, भैंस के लिए, अन्य तरह के जानवर के लिए, पशु पक्षियों के लिए ये सारी व्यवस्था कर ली गई है। आज से यहाँ पर जानवर यहाँ रात्रि में आ जाएंगे और कल से यह मेला जानवरों का भी शुरू हो जाएगा। पशु मेला का शुभारंभ आज से शुरू हो गई है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व भूमि सुधार मंत्री और वर्तमान औराई विधायक राम सूरत राय जी हैं। गढ़ा में मेला लगने जा रहा है, आज से शुभारंभ हो गई है, बातचीत करने के लिए क्या कहेंगे, विस्तार से बताइए कि आज से मेला शुरू हो गई है और क्या कुछ व्यवस्था है इस पर? माँ भगवती का दरबार सज के तैयार हो चुका है, पट खुल चुका है, श्रद्धालुओं लोगों के लिए दर्शन की पूर्ण व्यवस्था की गई है। आज से विधिवत मेला चालू हो गया है और झूला तमाम सब लोग रेडी हो चुका है, आज शाम से सारे झूला चालू हो जाएंगे, थिएटर चालू हो जाएंगे, शाम से नाच भी चालू हो जाएगा, यानी आज विधिवत माँ का दरबार खुलने के बाद सभी तरह के कार्यक्रम यहाँ शुरू हो रहे हैं। और ये ग्राउंड में जहाँ आप खड़े हैं, ये ग्राउंड सुरक्षित है जानवरों के लिए, घोड़ा के लिए, गाय के लिए, भैंस के लिए, अन्य तरह के जानवर के लिए, पशु पक्षियों के लिए ये सारी व्यवस्था कर ली गई है। आज से यहाँ पर जानवर यहाँ रात्रि में आ जाएंगे और कल से यह मेला जानवरों का भी शुरू हो जाएगा। और 30 तारीख को जो शोभा यात्रा निकलेगा वह उत्तर बिहार का सबसे 30 तारीख यानी कल यानी भव्य शोभा यात्रा निकलेगा। 5 तारीख को कुश्ती दंगल होना है, जो 4 तारीख को ही पहलवान यहाँ आ रहे हैं, सारे पहलवान ब्लू डायमंड में रुकेंगे और उनका पटना दरभंगा एयरपोर्ट से टिकट है, वहाँ से दिल्ली से उनको रिसीव करूँगा। 5 को कुश्ती खेलेंगे, 6 को सब लोग जाएंगे। 9 तारीख को घुड़दौड़ प्रतियोगिता है, जिसमें पूरी उम्मीद है कि माननीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी उसमें आएंगे। और उसके बाद 14 तारीख को रावण कुंभकर्ण का पुतला का दहन होगा, 15 को मेला का समापन होगा। काफ़ी चर्चाएं चल रही है कि बिहार में पहली बार ऐसी हो रही है, पहली बार की क्या मतलब? नहीं, पहली बार तो पहले सोनपुर लगता ही था, अन्य मेला भी लगते थे, लेकिन धीरे धीरे जो हमारा युवा पीढ़ी आया, या अब किसान जानवर नहीं पालना चाहते हैं, लेकिन अब फिर पुनः नए पीढ़ी के लोग भी पशु से प्रेम करना चाहते हैं। पशुपालक जिनके पास ज़मीन है, किसान है, शौक है, अच्छे अच्छे परिवार में पुनः युवा लोग को देखते हैं, घोड़ा से प्रेम है, गाय से प्रेम है, कुत्ता से प्रेम है, अन्य पक्षी पशु पक्षी से प्रेम है, तो वैसे लोगों को फिर एक ट्रेंड उलट के फिर चालू हुआ है कि पुरानी परंपराएं हमारी जो है, वो मिट्टी का कुश्ती हो, घुड़दौड़ प्रतियोगिता हो, चाहे हाथी हो, ये सब चीज़ें आज देखने को यहाँ मिलेगा। और निश्चित रूप से उत्तर बिहार का इसलिए बड़ा मेला होगा कि उत्तर बिहार के अंदर तमाम जगह पर जो मेला लगते थे चैत्र रामनवमी के अवसर पर, मेला आज भी लगते हैं, लेकिन माँ का प्रतिमा बनता है, झुलुआ वाले आते हैं, जिलेबी मुरही वाले आते हैं, लेकिन वहाँ पर पशु नहीं आते, हाथी नहीं, घोड़ा नहीं, कुत्ता नहीं, बिल्ली नहीं, यहाँ सभी तरह के पशु पक्षी आएंगे और हमारे युवा को साक्षात देखने को मिलेगा, एहसास करने को मिलेगा, सेल्फी लेने को मिलेगा, ये बड़ी बात है। व्यवस्था की अगर बात करें प्रशासन की तरफ से क्या है? मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन SP एवं DMG के द्वारा
सारी व्यवस्था मुहैया कराई गई है। वेटनरी का व्यवस्था हुआ है, अग्निशामक का व्यवस्था हुआ है, पेयजल का व्यवस्था हुआ है। प्रशासन की ओर से यहाँ एक कैंप लगाया गया है जो 40 फोर्स आके आज विगत एक सप्ताह से कैंप भी कर रहा है। सारी सुरक्षा मुहैया कराई गई है, मेरे द्वारा बिजली, पानी और प्लेग्राउंड का व्यवस्था कराया गया है। यानी कि सुरक्षा के बाद पूरा इंतजाम किया गया, पूरी तरह का सुरक्षा व्यवस्था हो चुका है। यहाँ भी जितने भी श्रद्धालु हैं, व्यापारी हैं, किसान हैं, दर्शक हैं, बेहिचक निर्भय होकर के यहाँ आवे, अपना मेला का आनंद ले। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ राम सूरत राय जी थे और आज से मेला का शुभारंभ हुआ है। आप भी आए, और पता है NH 57 दरभंगा रोड और ब्लू डायमंड होटल से आगे आइएगा, गढ़हा चौक है, गढ़हा चौक से जैसे ही अंदर आते हैं तो हथौड़ी की रास्ता है, जो पहले DPS स्कूल हुआ करता था उसी कैंपस में यह मेला का आयोजन किया गया। देखते रहिए मुजफ्फरपुर नाउ।